बार फिर फेक और नॉट पे एक ऐसा शो जहां मैं फेक न्यूज को काट देती हूं। मैं हूं मिथिका दत्त, इस शो की एंकर, और फेक न्यूज को मैं कहती हूं ओए हेलो, यू कैन नॉट एंटर। आपको खेल तो पता ही है, मैं 5 खबरें सुनाऊंगी और आपको जवाब चेयर्स करना है कि क्या है फेक और क्या है नॉट फेक, और अगर आप सही जवाब देते हैं तो आप जीतेंगे प्राइजेस। रेडी? चलिए फिर पहली खबर की ओर बढ़ते हैं। दोस्तों, कोरोना वायरस के अनएक्सपेक्टेड नेचर ने सबको हैरान कर दिया है। मेरी पहली खबर के हिसाब से एक शख्स को कोरोना वायरस के बारे में कई सदियों पहले से ही पता था। वो थे नोस्ट्राडेमस, एक फ्रेंच एस्ट्रोलॉजर जो अपनी भविष्यवाणी के लिए प्रसिद्ध थे। उन्होंने कहा था कि ईस्ट से यानी चाइना से एक प्लेग यानी वायरस लैंड ऑफ 7 हिल्स यानी इटली तक पहुंचेगा, और वो भी ट्विन ईयर यानी कि 2020 में। वाओ, शायद ये तो मुझसे भी बड़े सच के सौदागर थे। बताइए मुझे, नोस्ट्राडेमस ने प्रिडिक्ट किया था कि 2020 में कोरोना पैंडेमिक चाइना से निकल के इटली में फैलेगा, फेक या नॉट फेक? वैसे अगर कोरोना वायरस के आने के बारे में हमें पता होता तो काफी चीजें हम अलग करते। आज हमें छोटी छोटी चीजों की वैल्यू समझ में आ रही है। मैं रोज सोचती हूँ काश मैं बारिश में एक और वड़ा पाव खा लेती, काश मैं गिरीश को पहले ही भगा देती, लेकिन ये न्यूज है फेक। नोस्ट्राडेमस ने इसके बारे में कभी बात ही नहीं की थी, और वैसे भी 16वीं सदी में हर हफ्ते कोई नया प्लेग होता था। उनके पास 2020 के कोविड के बारे में सोचने के लिए टाइम ही नहीं था, क्योंकि शायद उनके पास और बहुत टेंशन थी। जैसे मैं भी कोविड के पहले सोचती थी कि हाय, मेरे कैरियर का 5 ईयर गोल क्या है, और आज मैं सोचती हूँ कि अगले हफ्ते पालक की सब्जी मिल पाएगी क्या। दर्शकों, आप सबने तो सुना ही होगा कि दुनिया के सबसे सक्सेसफुल लोग बुक्स पढ़ते हैं। रिचेस्ट लोग, सीईओज, लीडर्स, सबके ऑफिस में 10 से 12 किताबें तो होती ही हैं। लेकिन शायद इंडियंस ये चीज बड़ी सीरियसली लेते हैं, क्योंकि मेरी अगली खबर के हिसाब से जिस देश के लोग सबसे ज्यादा पढ़ते हैं वो है भारत। तो आप बताइए, वर्ल्ड कल्चर स्कोर इंडेक्स के अनुसार भारतीय सबसे ज्यादा समय पढ़ते हुए बिताते हैं, फेक या नॉट फेक? शायद कोरोना वायरस के टाइम ये स्टडी एक और बार करनी चाहिए, क्योंकि 4 महीने हो गए हैं, लोग डेलगोना कॉफी, ब्रेड बनाना और HIIT वर्कआउट से तंग हो चुके हैं, और शायद अब बस किताब पढ़ना ही बाकी रह गया है। ये खबर है नॉट फेक। जी हाँ दोस्तों, इस स्कोर के हिसाब से भारत में लोग हफ्ते में एवरेज ऑलमोस्ट 11 घंटे पढ़ते हैं। मैं इम्प्रेस तो हूँ, लेकिन इतना पढ़ने के बाद भी फेक न्यूज की क्लैरिटी के लिए सबको मिथिका दत्त के पास ही आना पड़ता है। तो अगली बार आपको लगे कि ओ, आई रीड बुक्स, मैं स्मार्ट हूँ, आप मुझे याद करके जमीन पे वापस आ जाना। जैसा कि हम सबको पता है, इंडिया और चीन के रिश्तों के बीच काफी तनाव है। पिछले महीने गलवान वैली में 20 इंडियन फौजी शहीद हुए थे, और इस नाजुक स्थिति में जब लोग इमोशनली अफेक्टेड थे तभी कुछ फोटोज वायरल हुए, जिनमें CPI मार्क्सिस्ट के लीडर सीताराम येचुरी और वृंदा करात प्लेकार्ड लेके घूम रहे थे। इन प्लेकार्ड्स पे लिखा था, इंडियन आर्मी डाउन डाउन, वी सपोर्ट टू चाइना, जिंदाबाद। कम्युनिस्ट पार्टी ऑफ इंडिया मार्क्सिस्ट लीडर्स ने इंडियन आर्मी के खिलाफ और चीन के पक्ष में किया प्रदर्शन, फेक या नॉट फेक? दर्शकों, माना कि ये पार्टी की आइडियोलॉजी कम्युनिस्ट है, जो चीन की लीडिंग पार्टी की भी है, लेकिन क्या एक इंडिया की पॉलिटिकल पार्टी इंडिया के दुश्मन को इतना सपोर्ट कर सकती है? राजनीति की खबरें बड़ी ट्रिकी होती हैं, लेकिन आप बच गए, क्योंकि आपका न्यूज अनबायस्ड, न्यूट्रल, सिर्फ सच की सौदागर मिथिका दत्त ही लाती है। ये न्यूज है फेक। प्लेकार्ड को डिजिटली एडिट किया गया था, और उनपे चाइना और आर्मी के बारे में कुछ नहीं लिखा था। थोड़ा तो सोचिए, अगर एक बड़ी पॉलिटिकल पार्टी के लीडर प्लेकार्ड बनाएंगे तो वी सपोर्ट टू, ऐसी ग्रामर में तो नहीं लिखेंगे ना? और हर पार्टी को वोट्स चाहिए होते हैं, कौन सी पार्टी कहेगी इंडियन आर्मी डाउन डाउन? मैं तो कहती हूँ कि शहीदों के नाम पे राजनीति करने वालों पे सख्त कार्रवाई होनी चाहिए। दोस्तों, ये तो हो गई देश की पॉलिटिक्स, लेकिन आर्टिस्ट की पॉलिटिक्स तो अलग ही चल रही है। ये खबर है एक रैपर के बारे में। वैसे दोस्तों, मैं खुद बहुत ही टैलेंटेड रैपर हूँ। हर रैप सॉन्ग में जो ये कम ऑन होता है, मैं उसमें माहिर हूँ। सो वर्सेटाइल मिथिका, ऐसा तुम सोच रहे होगे।
एनीवे खबर की ओर बढ़ते हैं। हाल ही में विशाल डडलानी ने ट्विटर पे रीमिक्स बनाने वालों के खिलाफ ट्वीट डाला। कई और आर्टिस्ट ने भी कहा कि रीमिक्स बनाना ओरिजिनल आर्टिस्ट के काम को इंसल्ट करना है। अब खबर ये है कि एक रीमेक बनाने वाले मशहूर रैपर बादशाह अब वापस कभी रीमेक्स नहीं बनाएंगे। बादशाह ने घोषणा की कि वो आगे से रीमेक सॉन्ग्स नहीं बनाएंगे। फेक या नॉट फेक? दोस्तों मैं तो कहती हूँ इन रीमिक्सेस की जरूरत ही नहीं है, जो क्लासिक्स हैं उन्हें रहने दो। वैसे भी अगर आर्टिस्ट को क्रिएटिविटी में इंस्पिरेशन चाहिए तो फेक न्यूज बनाने वालों की क्रिएटिविटी ही देख लो। एनीवे ये खबर है नॉट फेक। बादशाह ने डॉक्टर ज्यूस के डोंट बी शाय को रिमिक्स किया और डॉक्टर ज्यूस गुस्सा हो गए। उन्होंने एआर रहमान का हम्मा हम्मा रिमेक किया जिससे रहमान जी भी गुस्सा हो गए। तो अब फाइनली बादशाह ने कहा है कि वैसे भी रिमिक्स की क्वालिटी डाउन हो चुकी है तो अब वो उसमें हिस्सा नहीं लेंगे। बादशाह मेरे फेवरेट आर्टिस्ट हैं, उनका खुद का टैलेंट इतना बढ़िया है कि रीमेक की कोई जरूरत ही नहीं है। Basically, DJ वाले बाबू ओरिजिनल गाना चला दो, DJ वाले बाबू ओरिजिनल गाना। Okay, yes, moving on. दोस्तों हमारी हॉरर मूवी 2020 हॉरर कथा में आज एक नया प्लॉट ट्विस्ट आ गया है, खतरनाक कीड़े। जी हाँ सही सुना आपने, एक वीडियो वायरल हो रही है जहाँ कुछ लोग सड़कों पे बेहोश गिरे हुए हैं। खबर के हिसाब से ये एशियन जायंट हॉर्नेट यानी मर्डर हॉर्नेट यानी वॉस्प जैसे कीड़े का काम है। ये इंसान को कई बार काट काट के कुछ ही मिनटों में मार सकता है। जायंट हॉर्नेट के काटने से इंडिया में लोग सड़कों पर बेहोश पड़े थे। फेक या नॉट फेक? दोस्तों आपने कभी ये सोचा है कि अगर कोई फिल्म मेकर 2020 की रियलिटी को एक मूवी में डाल देता तो क्या होता? हम सब कहते वायरस, साइक्लोन, लोकस्ट और हानिकारक कीड़े, ये सब कितना अनरियलिस्टिक है। चलो एक गुड न्यूज दे ही देती हूँ, ये न्यूज फेक है। ये एक्चुअली विशाखापट्टनम में मई में हुए गैस लीक की वीडियो है। मर्डर हॉर्नेट्स इंडिया में होते भी नहीं। वैसे भी लोगों में आजकल हौसला कम है और ऊपर से ऐसी झूठी खबरें फैला के क्या मिलेगा, क्या मजा आता है असल लोगों को? मेरे हिसाब से इन लोगों को असली मर्डर हॉर्नेट से मिलाना चाहिए। तब तक के लिए आपको डोज सिर्फ मैं मिथिका दत्त ही दे सकती हूँ। बस आज के लिए इतनी सच्चाई काफी है, फिलहाल आप इतना ही डाइजेस्ट कर लो। आशा है आपको पांचों सवालों के जवाब सही मिले और आप प्राइज जीत गए। जानने के लिए बस नीचे स्क्रीन पे बटन दबाइए। तो कहीं जाइएगा मत, घर पे ही रहना और हम मिलेंगे कल।